ये है आई जो है आपको निकालना है अंडर रूट कॉटेक्स प्लस टेक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। बहुत सारे मेथड हैं, कुछ लोग उसको साइन कॉस में कर लेते हैं, कुछ लोग कैसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा करते हैं, अगर टेन में बदल लो इसे कॉट में बदल लो, तो इसको लिख लेते हैं एक बटा अंडर रूट टेन, टेन एक्स एलसीएम ले लो, एक बटा अंडर रूट टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो गए क्या, बट रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स टेन एक्स हो जाएगा, तो जो एलसीएम था वो मैंने ऐसे। अब मान लो अंडर रूट टेन एक्स बराबर टी, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी अप्रोच करते हैं कि इसको लिख लिया कॉस बटे साइन, इसको लिख लिया साइन बटे कॉस, एलसीएम लिख लिया साइन कॉस, ऊपर साइन प्लस कॉस बन जाएगा, तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा जो क्वेश्चन अभी आप पूछ रहे हैं, ठीक। तो हम उसको उसी तरीके से भी करा सकते हैं, तो उस तरीके से भी देखिए, एक तरीका तो इसका ये है, इसको लिख लो रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स बटे रूट कॉस एक्स प्लस, ये आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स, दो से गुणा दो से भाग अंडर रूट टू आ गया, और आपका क्वेश्चन ये वही बन गया जो अभी आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए बना दिया कि इस बहाने ये वाला सवाल भी हो जाएगा। दूसरा मेथड आपका किताब में दे रखा है, उसे आपके साथ से देखते हैं। इसको लिख सकते हैं हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस अंडर रूट साइन टू एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें एक जोड़ लेते हैं और एक, और ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं cos x plus sin x, अब जब भी sin 2x होता है यानी 2 sin x cos x हम लिख लेते हैं, तो उसमें एक का मान sin square plus cos square रखते हैं। अभी हमने एक जोड़ा घटाया है, इस वाले एक का मान रखा है, इस वाले एक का, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि मुझे डिनोमिनेटर में sin x plus cos x चाहिए या cos x minus sin x चाहिए। अगर sin x plus cos x बनाता हूँ नीचे, उसे t मानूंगा, तो आएगा cos x minus साइन एक्स, और ऊपर कितना लिखा है, इसका मतलब नीचे क्या चाहिए मुझे, माइनस चाहिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो मुझे माइनस करने के लिए होल स्क्वायर बनाते हैं, तो टू ए बी में माइनस जब आता है तभी माइनस आता है, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, अंडर रूट टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट वन माइनस, जब कॉमन लेंगे तो वन माइनस साइन टू एक्स को इस वन की वैल्यू पुट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स, समझ लोगे जो सामने चीज दिख रही है वो समझ जाओगे, माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टू साइन कॉस एक्स, और वन की वैल्यू पुट कर दी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाई स्कूल में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को वन पुट करते हैं, ठीक है, और ट्वेल्थ में वन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पुट कर रहे हैं, पृथ्वी गोल है याद होगा, ये कितना आ गया अंडर रूट टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स माइनस, क्योंकि वो विकल्प खत्म हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखे हैं साइन एक्स प्लस कॉस, वो तो तब लिखते थे जब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट पता होती थी कि जीरो से पाई बाय फोर है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे, और अगर पाई बाय फोर से पाई बाय टू है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, क्योंकि पाई बाय फोर तक कॉस का मान बड़ा रहता है, पाई बाय फोर से आगे साइन का मान बड़ा हो जाता है। तो हमारे पास अब आई बराबर आ चुका है अंडर रूट टू इंटीग्रेशन, इसे टी मान लो, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, तो यहाँ से इंप्लाई होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस हो गया, और फिर इनटू डी एक्स बराबर डी टी, तो हमारे पास कितना आ गया, ये तो डी टी हो गया,
और ये एक बटे अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, इसका मान है साइन इनवर्स टी का मान, ठीक है, और टी का मान, टी का मान कितना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, और उछाल पिछाल करनी है इसमें, साइन इनवर्स वर्गमूल दो से गुणा भाग कर लो, ठीक है, यहाँ भी वर्गमूल दो से गुणा भाग करेंगे, थोड़ी समस्या आएगी, तो वर्गमूल दो क्या करोगे, यही ठीक है, यही ठीक है, ठीक है, ये साइन बना सकते हैं इसको, इसको लिखेंगे हम टू टेन, टेन बनाएंगे फिर टेन की वैल्यू साइन में लिखेंगे, बड़ा लंबा जाएगा, अब इस वाले तरीके से देखो जो इसने अपनाया, इसमें भी एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, दूसरा तरीका उसने जो तरीका इसमें अपनाया एग्जाम्पल में वो ये था, वो एक बटा रूट टेन एक्स लिख देंगे इसको, और इंप्लीकेशन एक बटा रूट टेन एक्स हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, हम मान लेंगे अंडर रूट टेन एक्स बराबर क्या निकलेगा यहाँ से डेरिवेटिव जो करो एक बटा अंडर रूट टेन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी, यही हुआ, कुछ छूटा है, अच्छा दोनों छूटेगा, जब डेरिवेटिव करोगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन पॉइंट टू रूट एक्स होता है, ठीक है, तो वन अपॉन टू रूट टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स डी बराबर डी टी, अब रख दूसरा है अपने हिसाब से, यहाँ तो टू है नहीं तो टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करो, तो आई बराबर आपके पास बना एक बटा टू अंडर रूट टेन एक्स और सेकंड स्क्वायर एक्स है इसको इधर ले जाओ, ये बना टू बटा अपॉन अंडर रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा अपॉन सेट स्क्वायर में इसको वन प्लस टेन स्क्वायर है जी सर, और ये बन गया टू अपॉन अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से देखो टेन एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर और टेन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई टू टू पावर फोर, क्या हाँ टू को हटाई दो ठीक है, कितना आ गया आपके पास वन प्लस टेन एक्स यानी वन प्लस टी स्क्वायर टू बी टेन एक्स का वन टी स्क्वायर और ये वन अपॉन रूट टेन एक्स वन अपॉन रूट टेन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है टू डी टी और ये आ रहा है वन प्लस टी टू पावर टू वन प्लस टी टू पावर फोर अपॉन वन टी स्क्वायर टी टू पावर, चलो बताओ कैसे करेंगे इसको, तो विद्वान बच्चे हो, ये एक विशेष स्थिति होती है जिसमें इवन पावर इस तरह की बनती है वन प्लस एक्स स्क्वायर या वन प्लस एक्स टू द पावर फोर, ये विशेष स्थिति, इसको करने का भी विशेष ही मेथड बिल्कुल अलग मेथड, ठीक है, देखते हैं क्या है, इसमें से टी स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, नीचे ऊपर से टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बनेगा वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन और नीचे से टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया टी स्क्वायर यहाँ और ये दोनों, या आप ऐसे कह सकते हो कि अंश व हर दोनों को टी स्क्वायर से भाग करते ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, वो आपकी इच्छा है कि आप इसमें से किस मेथड से इसको करना चाहते हो, कॉमन लेना आता है ठीक है, नहीं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्यों डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसान धान उगाता है, धान में से क्या निकलता है चावल, वो चावल हम खाते हैं ठीक है, और हम चुपचाप खाते हैं आधा छोड़ देते हैं आधा फेंक देते हैं, उसका महत्व हम नहीं समझ सकते, शादियों में कितना बर्बाद होता है,
है ना, और जिनके लिए महत्व है श्री कृष्ण जी ने आधे चावल से पूरी दुनिया का पेट भर दिया था, है ना। तो ये बेटा किसी की मेहनत है, किसी की मेहनत है, किसी ने पूरी कई महीने इसमें लगाए होंगे, तब जाकर उसे ये याद आया होगा कि टी स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग करके देखो क्या होता है। उनने ये सोचा होगा और सोचने के बाद एक मेथड डेवलप किया होगा जो मेथड हमारी बुक्स में आया। तो ये उनकी मेहनत का प्रतिफल है। जैसे हम चावल खाते हुए नहीं सोचते कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी बारिश का इंतजार होता है, कितनी पानी डालना होता है, ऐसे ही जैसे आप तो सब किसान परिवार से हो तो ऐसे ही इसमें बड़ी मेहनत किसी ने की होगी कि भैया टी स्क्वायर कॉमन लेके देखो, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, टी को सेक एक्स भी माना होगा, टेन एक्स भी मान के देखा होगा, साइन एक्स भी मान के देखा होगा, ठीक है, कुछ और भी करके देखा होगा, पूर्ण वर्ग बना के देखा, सब कुछ करके किसी ने देखा होगा, लास्ट में उसने ये भी करके देखा होगा, एक बार टी से भाग करा होगा, है ना, एक बार टी की खाद चार से भाग करा होगा, है ना। तो जैसे हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि टी स्क्वायर से ही क्यों करा, इसका मैंने तुम्हें थोड़ा समय लिया ये समझाने के लिए कि टी स्क्वायर से इसलिए किया है कि किसी ने टी स्क्वायर से करके मेथड डेवलप किया। अब आप भी रट लो इस चीज़ को, है ना। चलिए, तो ये हमारे सामने स्थिति उत्पन्न हो गई है और वो स्थिति ये दो बाहर ले लेते हैं, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन अपॉन टी होल स्क्वायर, है ना, प्लस टी स्क्वायर। अब आपको हाई स्कूल ने नाइन्थ में एक चीज याद आ रही है, x प्लस एक बटा एक्स का वर्ग जब आपने निकाला था, जब हमने एक बड़े से द्विघात समीकरण का सवाल कराए थे जो होते थे x प्लस एक बटा एक्स का वर्ग प्लस दो गुणा एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर प्लस पाँच बराबर जीरो, तो इसको हल करके x के मान निकालो, चार मान निकल के आते थे, ये थे किसी ने नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, इसका होल स्क्वायर निकालो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस दो गुणा एक्स गुणा एक बटा एक्स, तो एक तरह से x प्लस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर प्लस दो, और x माइनस एक बटा एक्स कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर माइनस दो। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है माइनस दो, और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से कितना निकल रहा है, एक्स माइनस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर प्लस दो, दोनों ही किसके मान है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर, यानी अब हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कौन सा मान निकालें। ये जो नीचे बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस एक बटा टी स्क्वायर, इसका मान हम कौन सा लें, ये वाला लें, भाई दो मान निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एक बटा एक्स माइनस, ये तो आया, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान ये निकल के आ रहा है। अब इसमें ले कौन सा, वो लेने के लिए न्यूमरेटर देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर कितना है, एक बटे टी स्क्वायर प्लस एक, वो लो इनमें से जिसको टी मान के या एक्स मान के या वाई मान के उसका डेरिवेटिव याद आता। अभी बताओ एक्स माइनस एक बटा एक्स का डेरिवेटिव कितना है, एक्स का वन हो गया, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर, क्यों वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और अगर डेरिवेटिव करोगे एक्स प्लस एक बटा एक्स का तो आएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक बटा एक्स का डेरिवेटिव मैं पहले भी कई बार निकलवा के बता चुका हूँ आपको, ये होता है, कैसे निकलता है पता है, एक्स की घात ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, कई बार बता दिया माइनस वन हो जाएगी, तो माइनस वन नीचे एक्स घात माइनस वन माइनस वन कितना हुआ माइनस एक बटे, समझ आ गया। तो बताओ कौन सा मान रखूं इतनी बार बताने के बाद, इसमें से और इसमें से कौन सा मान रखूं मैं, इसका t प्लस वन अपॉन टी का स्क्वायर, माइनस बिल्कुल सही बताया, देखो दो गुणा ये है वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, और इसकी जगह मैं एक और तरीका मैं अपना सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस दो माइनस, ये भी एक तरीका। अब मैं अगर इसे प्लस दो के साथ लिखूंगा तो टी प्लस वन अपॉन टी होल स्क्वायर बने, और माइनस दो के साथ लिखूंगा तो टी माइनस वन अपॉन टी होल स्क्वायर लगेगा, तो टी माइनस वन अपॉन टी होल स्क्वायर
दोबारा लिख दिया अब इसको मान लो आप लेट टी माइनस वन अपॉन टी इक्वल टू वाई तो याद है वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी बराबर तो हमारे पास जो आई था वो आ गया टू इंटीग्रेशन ये डी टी चल रहा था तो वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी ये क्या बन गया डी वाई और ये कितना बन गया वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला बना ये बना टू टेन इनवर्स वन अपॉन ए यानी वन अपॉन रूट टू टेन इनवर्स वाई अपॉन रूट टू प्लस सी तो ये बना आपका टू रूट टू हो गया टेन इनवर्स वाई का मान टी माइनस वन बाई टी अपॉन रूट टू प्लस सी और टी का मान कितना था हाँ टी का भी तो था कितना था रूट टेन अब टी का मान लेंगे ये डिब्बे बंद करके यहाँ लिखो ठीक है ये आ जाएगा आई बराबर अंडर रूट टू टेन इनवर्स टी कॉमन लोगे टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर हो जाएगा टेन एक्स माइनस वन बटे रूट टू और टी नीचे आएगा टी का मान कितना था रूट टेन एक्स प्लस देखो मैच कर लिया तो आपने देखा कि इंडेफिनिट का इस तरीके से किया तो आंसर कुछ और आया इस तरीके से किया तो आंसर कुछ और आया तो इंडेफिनिट में ऐसे ही होता है अलग अलग तरीके से करते हैं तो आंसर अलग अलग आते हैं।